एक बार जेठालाल अपने कार से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में जेठालाल को तीन दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे में तो सिर्फ खाना रहता है, दूसरे दरवाजे में सिर्फ पानी रहता है और तीसरे दरवाजे में पैसा और सोना रहता है। तभी जेठालाल सोच में पड़ जाता है कि पहले कौन से दरवाजे को खोला जाए। तो दोस्तों, क्या आप जेठालाल को हेल्प कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि जेठालाल को इनमें से पहले कौन से दरवाजे खोलने चाहिए? अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब का टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। जेठालाल तो पहले अपने कार का दरवाजा खोलेगा और फिर कार से बाहर उतरकर इन तीनों दरवाजे में से कोई एक दरवाजा खोल सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर दे दिया था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। एक बार जेठालाल की शॉप से चोरी हो जाती है, तभी जेठालाल उस चोर का पीछा करता है। तो वह चोर बहुत तेज स्पीड से बाइक से निकल जाता है। जेठालाल चोर को सही से नहीं देख पाता, लेकिन जेठालाल आगे जाता है तो वह चोर की बाइक को पहचान लेता है। लेकिन वहां तीन लोग खड़े होते हैं। अब जेठालाल कैसे पहचानेगा कि इनमें से चोर कौन है? क्या आप जेठालाल का हेल्प कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से चोर कौन है? तो आप अपना आंसर हम कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आप इस व्यक्ति को देखेंगे तो इसके पैर में चोट लगा है, इसका मतलब ये चोर नहीं हो सकता है। इस व्यक्ति के कार का दरवाजा खुला है, यानी कि यह अभी अभी इस कार से उतरा होगा, इसलिए यह भी चोर नहीं हो सकता। तभी जेठालाल को समझ में आ जाता है कि यह तीसरा वाला व्यक्ति चोर है और जेठालाल चोर को पकड़ लेता है। तो दोस्तों, इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने एक पिक्चर है। आपको इस पिक्चर में दो इमोजी नजर आ रहा होगा। दोस्तों, आप इन दोनों इमोजी को अच्छे से देखिए और एक फूड का नाम बताइए। अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर हम कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आप इस पहले इमोजी को देखेंगे तो पहला इमोजी रोने का है और यह इमोजी रो रहा है तो इससे हो जाएगा रो, और दूसरा इमोजी चाय है तो इससे हो जाएगा टी। तो इन दोनों इमोजी को ऐड कर फूड का नाम रोटी बनेगा। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने एक पिक्चर है। आपको इस पिक्चर में चार ट्रेन नजर आ रही होगी। तो दोस्तों, आप इन चारों ट्रेन को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी ट्रेन ओडोनोट है, यानी बाकियों से अलग। अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इनमें से बी नंबर वाली ट्रेन ओडोनोट है। आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने एक पिक्चर है। आप इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि इन दोनों लड़कों में से कौन सा लड़का एग्जाम में फेल हो चुका है। अच्छे से देखिए, सोचिए और मुझे अपना आंसर हम कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब
तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इनमें से मुझे लगता है कि टप्पू एग्जाम में फेल हो चुका है, क्योंकि आप उसके रिजल्ट को देखेंगे तो उस पर ब्लू पेंसिल लिखा हुआ है। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कोई भी टीचर ब्लू पेन से साइन नहीं करते हैं, वह रेड पेन से साइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लू पेन से लिखा हुआ है, इसका मतलब टप्पू खुद से ही लिखा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।